और ये क्या ये कांग्रेस का संस्कार है? प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज आप देखे होंगे, उनके जो बोली में जिस तरह से लड़खड़ाहट हो रही थी, और आदरणीय राहुल गांधी जी जो अपने LOP का जो भाषण दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन का, जिन जिन चीज़ों को रखा, इसे आपने देखा होगा कि तीन तीन बार सदन में माननीय प्रधानमंत्री को भी उठना पड़ा, गृह मंत्री को भी जवाब देना पड़ा, इसके साथ साथ में आपका रक्षा मंत्री को भी जवाब देना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें जो आप देखे होंगे कि जिस तरह से पहले जो आपका 2010 साल में जिस तरह पूरा इनका जो स्थिति था, माने हिटलर शाही था आपका, तभी विपक्ष बहुत मजबूत है, तो इसीलिए आप प्रधानमंत्री का तरह तरह का उसका जो बोलने का आप देखते होंगे, जिस तरह से बात कर रहे हैं उसका एक तरफ से कहा जाए कि घबराहट में है, और जो विपक्ष की ओर से हमला होगा ये वो सहन नहीं कर पाएगा। और इससे पहले भी आप जिस तरह से आसान से चला रहा था, इतना आसान नहीं है चलना। पूर्ण जिसको कहा जाए दुखी दुखद घटना है, काफ़ी लोग तकरीबन 122 जो मुझे सूचना मिली 122 लोग, हो सकता है इससे ज़्यादा लोग मरे। हम इसके लिए संवेदना व्यक्त भी करते हैं, घायल लोगों को सही तरीके से उनका इलाज हो, और मृतक को भी पर्याप्त मुआवजा वगैरह मिले, और इस तरह की जो घटना हुआ उसको कैसे हुआ इसकी जांच भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत अभी तो विधायक दल की बैठक है, प्रभारी साहब आ रहे हैं, उसके बाद में चूँकि बहुत दिन के बाद में 5 महीने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आए हैं, बहुत सारे चीज़ों में वर्तमान राजनीतिक की बात, आने वाला 2-4 महीने के बाद में चुनाव भी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में स्ट्रेटेजी क्या होगा, आगे क्या किया जाएगा, और अन्य चीज़ों पर बातचीत होगा। हो सकता है, संभावना है कि जो खाली पद मंत्री का है, इन सब चीज़ों पर भी बातचीत होगी, लेकिन अभी तो उनके आने के बाद या जब विधायक दल का बैठक होगा उसी में होगा। क्या सत्ता परिवर्तन की इस सब चीज़ के बारे में, हम तो अभी दिल्ली से आ रहे हैं, तो बाकी चीज़ें तो यहाँ बातचीत होगा, बातचीत होने के बाद ये पता नहीं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कयास लगाएगा। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉरपोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, JP Morgan और JPT, TCS, Wipro, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।